नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अगर हम आज के युवाओं की बात करें तो आज का युवा आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, आज का युवा देश से बाहर जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है। लेकिन इस परिभाषा, इस सोच को बदला है एक युवा, अंकित माथुर ने। हम आपकी मुलाकात अंकित माथुर जी से करवाने जा रहे हैं, जो ग्रीन वेज ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर हैं। अंकित, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। तो ये कंपनी हमने 2010 में ये देखते हुए बनाई थी कि ग्रामीण इलाकों के लिए लोग प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते, तो हमें ऐसा लगा कि इंडियन रूरल हाउस होल्ड्स के लिए, भारतीय ग्रामीण घरों के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनने चाहिए जो कि उनकी नीड्स के हिसाब से सही हो। तो और इसी को देखते हुए जो पहली चीज़ जो हमने देखी वहाँ पे, हम उस समय में बहुत सारे गांव में घूमा करते थे और हमने ये देखा कि सभी घर वहाँ पे लकड़ी जला करके मिट्टी के चूल्हों पे खाना बनाते थे। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने एक ग्रीनवे स्मार्ट स्टोव नामक प्रोडक्ट को डेवलप किया। इसमें करीब हमें एक साल लगा, 25-30 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6-7 स्टेट्स घूम करके, करीब करीब 100 से ऊपर घरों के साथ एक्सपेरिमेंट करके और 10-12 प्रोटोटाइप बनाते हुए फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसको कि महिलाओं ने कहा हाँ ये मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ या इसके मैं पैसे दूंगी। और जब जब ये बात आ गई कि हाँ मतलब महिलाएं इसके पैसे देंगी, इसको इस्तेमाल कर लेंगी, तब हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ये कंपनी एक कंपनी की तरह चल पाएगी। आज अगर हम बात करें, आप आए, मैं अहमदाबाद पास आउट हूँ, मुझे लगता है कि अगर करियर के लिहाज से बात करें तो कहीं बड़ी कंपनी में सीईओ बन चुके होते हैं आप अभी तक। नहीं, सीईओ तो नहीं बनता, लेकिन किसी मिड मैनेजमेंट में जरूर होता, पहुंच जाते। फिर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति आपका रुझान क्यों? ये सवाल मेरे को कभी किसी ने पूछा नहीं है इसलिए मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मैं खुद छत्तीसगढ़ में बड़ा हुआ, उस समय में मध्य प्रदेश हुआ करता था और पिताजी मेरे कोल इंडिया में काम किया करते थे, वहीं से उनका सुपर एनिमेशन हुआ। तो जनरली एक खुले खुले एटमॉस्फेयर में सभी तरीके के लोगों से मिलना जुलना, ये सब पहले भी था और जब आईआईएम से ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसा लगा कि इस तरीके का काम किया जाए जिसमें कि थोड़ा ट्रैवल इन्वॉल्व हो, थोड़ा लोगों के साथ इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो, तो हमारे लिए कुछ नया, कुछ अच्छा होगा। और दूसरा, हम रूरल एरियाज में इसलिए काम करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बड़े सारे ऐसे प्रोसीजर्स, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि अर्बन एरियाज के लिए काफ़ी सक्सेसफुल हैं और कई लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। एक इसी तरीके की स्कीम हुआ करती थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो इसमें हम कुछ रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए कर सकें, वो एक हमारे लिए एक चैलेंज था और वो नया नया काम शुरू किया था तो चैलेंज लेने में मज़ा आता था, तो हमने वो एक चैलेंज की तरह लिया एंड थैंकफुली अब हम करीब 15-16 लाख चूल्हे बेच चुके हैं, बांट चुके हैं, तो इस बात की खुशी है कहीं तक कुछ पहुँचा है। कहीं तक कुछ पहुंचा है, इस बात की खुशी है। अंकित माथुर, जैसा मैंने कहा कि चाहते तो किसी कॉर्पोरेट में जाकर अपने करियर को एक अलग दिशा दे सकते थे, लेकिन जिस परिवेश में पले बढ़े और उसके बाद कुछ करने का जज्बा इन्हें इस मुकाम तक ले आया, इस काम पर लेकर आया। और निश्चित तौर पर जब आज का युवा ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है वहाँ के लिए कुछ करने का जोश और जुनून देश को कहीं और आगे ले जा सकता है। अंकित, अगर हम बात करें इस चूल्हे के बारे में, थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि दूसरे चूल्हों से कितना भिन्न है और कितनी समस्याएं जो ग्रामीण महिलाओं को आती है, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या आपने इसमें क्या प्लानिंग किया है और क्या ये चूल्हे को कैसे ऑपरेट करते हैं? जी, तो सर आपने तो कई ग्रामीण घरों में खाना वाना खाया होगा, चाय पी होगी, कई लोगों से मिले होंगे,
तो आपने देखा होगा कि उनके चूल्हों में कोई चिमनी नहीं होती, दूसरा उसमें जो भी उनका बर्तन होता है उस पे आग जो है किसी एक पैटर्न में नहीं आती, किसी भी तरफ आग भागती है, उस वजह से हीट का लॉस बहुत होता है। तो ये इस वजह से है क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके के लिए उन्हें खर्चा नहीं करना पड़ता। अब अगर इसको हम एड्रेस करें प्योर इंजीनियरिंग टर्म्स में, तो हमने एड्रेस इसको दो तरीके से किया। एक कि जो लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ज्वलनशीलता को बढ़ाया जाए, और दूसरा जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बढ़ाया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करते हुए जब हमने प्रोडक्ट बनाया और लोगों के साथ टेस्ट किया और उसके बाद उसको इम्प्रूव किया, तो हमने अपने प्रोडक्ट की थर्मल एफिशिएंसी को जो 10% किसी मिट्टी के चूल्हे की होती है उसको इसमें बढ़ा के 35-40% तक बढ़ा के ला पाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 1 किलो लकड़ी वहाँ जलाएंगे तो शायद 350 ग्राम में यहाँ पे उनका काम हो जाएगा। तो इसमें उनको अपना खाना बनाने का पैटर्न नहीं चेंज करना पड़ता, अपनी लकड़ी इकट्ठी करने की आदतें नहीं चेंज करनी पड़ती, और जिसको कि हम कहते हैं ना अडॉप्शन का इसमें बैरियर नहीं है। तो आपने एक बार डेमो किया, इनफैक्ट हमसे बहुत अच्छा डेमो हमारे पहली बार इस्तेमाल करने वाले जो यूज़र्स हैं वो करते हैं। तो हम एक बार ही उनको बस दिखा देते हैं कि मैडम ये है चूल्हा, आप एक बार ट्राई करके देखिए। वो एक बार ट्राई कर लेती हैं तो हमारे को ही डेमो दे देती हैं फिर। क्या बात है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें कुछ आपने एडिशनल अल्टरेशन किया है? इसमें स्वास्थ्य को लेकर के इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि महिलाओं को इसमें फूंकने का प्रयोग नहीं करना पड़ता, और धुआं कम होने की वजह से घर में पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं या अनबॉर्न बेबीज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट कम हो जाता है इसका। जो लोग ऑलरेडी आदी हो चुके हैं पार्टिकुलेट मैटर के, उन पे जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम है, उनको केवल आँखें कम भीगती हैं, कम गीली होती हैं, वो फ़ायदा होता है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हमने कभी कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्टडी इसका नहीं किया है, और ये हम करना चाहेंगे। युवा होना अलग बात, काम का जज्बा होना अलग बात, लेकिन अपनी बात को साफगोई के साथ रखने का अंदाज अंकित माथुर का है। हम इसकी लॉन्ग टर्म स्टडी भी करना चाहेंगे, ये बात भी अपने प्रोडक्ट के साथ शायद ही कुछ लोग कह पाते हैं। बहुत कम लोग इस तरह का न्याय अपने प्रोडक्ट के साथ कर पाते हैं, और वही जोश जज्बा जुनून अंकित माथुर में दिखकर सामने आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने बताया कि आपने बहुत सारे प्रयास किए, उसमें जो धुआं निकलता है उसकी वजह से जो भी समस्याएं होती है उसमें कमी आई है। आपने बहुत अच्छा कहा, साथ में यह भी कहा कि ये ख़त्म नहीं होता है जी। और बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के साथ अपनी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सावगोई कहने से अंदाज से प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हमें पता लगता है। इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कितना रिसर्च करना पड़ा जी? तो इसमें जो मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियर होने का वो थोड़ा काम आया, प्लस जो मेरा कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज भी, कि वहाँ पे मैं एक ऐसी टीम का पार्ट था जहाँ पे कि हमने एक गाड़ी बनाई थी, एक फॉर्मूला स्टाइल रेस कार। आजकल कई कॉलेजेस में कई लड़के बनाते हैं, कई लड़के लड़कियाँ बनाते हैं। उस समय में हमारे कॉलेज में पहली गाड़ी थी जो बन रही थी, और हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। उसमें जिन लोगों के साथ हमने काम किया उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी इन प्रोटोटाइप्स को बनाने में, और बार बार गलती करके जब हम उसको ठीक करते थे तो हमें कभी निराश नहीं करते थे, कहते हाँ बेटा कोई नहीं फिर से बना ले ठीक। तो उस चीज़ में उस चीज़ की वजह से हमें एक ऐसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन हमारा हो पाया जिसको कि लोगों ने फाइनली अपनाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग उसको मानते हैं कि ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है कि आने वाले कई सालों में हम इसको इम्प्रूव कर पाएँ, हो सकता है कोई और इसको इम्प्रूव कर ले, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसमें कोई एक सोल्यूशन काम करेगा नहीं, और कोई एक कंपनी पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर करेगी नहीं, तो इसमें कई लोगों का साथ ज़रूरी है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। सही बात है। 15 लाख चूल्हे लगभग आप बता रहे हैं कि आप लोग डिप्लॉय कर चुके हैं जी,
तो जब डिप्लॉय कर दिया आपने, लोगों तक पहुंचा दिए, तो क्या उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, किस तरह से लोगों का वहां से वापस रिटर्न मिल रहा है? हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि इसमें कम से कम फेलियर हो, क्योंकि गांव में आज सप्लाई चेन जो है, जो D2C ब्रांड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जब 2010-11-12 में हमने काम शुरू किया था, तब इस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं था जहां पे कि आप सप्लाई चेन को रिटर्न कर सकें, सर्विस कर सकें। हमें प्रोडक्ट ऐसा बनाना था टैंक के जैसा कि भाई एक बार आपने उसको बैटलफील्ड में भेज दिया तो वो टूट के ही वापस आएगा, उसमें ख़राबी होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा फीडबैक जिससे कि लोग काफ़ी खुश हैं वो ये है कि प्रोडक्ट 5 से 7 साल तक ख़राब नहीं होता, उसमें कुछ जल जाएगा तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, छोटा सा पार्ट, उसके हैंडल कहीं ढीले हो गए तो हम उसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी देते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो हमने चूल्हे भेजे मार्केट में तो लोगों ने कहा इसके हम हैंडल लगाएं कैसे, तो हमने हर पैकेट के साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से लोगों को ये जो यूज़बिलिटी की छोटी छोटी चीज़ें हमने एड्रेस करी, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी कर दी कि उसको 3 से 4 बार ट्रांसशिपमेंट करें तो भी प्रोडक्ट ख़राब ना हो, तो इस तरीके की चीज़ों को करने से लोगों का ओवरऑल बिलीफ जो है प्रोडक्ट में वो बढ़ता रहा। आपने उसके हैंडल की बात कही, आपने कहा कि स्क्रू ड्राइवर भी आपने देना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब मेटल का चूल्हा बनता है तो उसका हैंडल हमेशा गर्म हो जाता है, तो इस चूल्हे में कुछ प्रोविज़न किया है आपने उससे बचने के लिए? तो ये जो हैंडल है ये बेकेलाइट का है, जो बेकेलाइट आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में भी यूज़ होता है, और वो गर्म नहीं होता, डायरेक्ट फ्लेम्स तो उस पर आती नहीं, लेकिन मेटल से कॉन्टैक्ट के बाद भी वो गर्म नहीं होता, तो जब उसमें आग लगी हुई है, जब अंदर लकड़ी है, तो भी आप उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। क्या लगता है अंकित, गैस की उपलब्धता धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में शायद गैस का पहुँचना बहुत आसान नहीं है, कहीं पर 50 घर हैं, कहीं पर 10 घर हैं, और कॉस्ट की अगर बात करें तो गैस महंगी भी है, 1000 रुपये सिलेंडर के लगभग पहुंच चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद? मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए, अगर वो बेस्ट सॉल्यूशन गैस है तो उनको गैस मिलनी चाहिए, और कुछ हद तक सरकार की इस पहल से ये संभव हो भी पाया है, और ये अच्छी बात है कि लोगों को अब सफाई से खाना बनाने की प्रक्रिया और उसके फ़ायदों का पता चल गया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में इसका पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और लोगों की कई बारी माली हालत ऐसी होती नहीं कि वो दूसरा सिलेंडर खरीद पाए, तो ऐसे में हम कभी ये नहीं कहते कि आप अपना गैस सिलेंडर छोड़ करके हमारा चूल्हा इस्तेमाल करें, हम हमेशा ये कहते हैं कि वो खाना जो आप एक मिट्टी के चूल्हे पर बना रहे हैं उसको आप वो छोड़ करके इसे इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप गैस खरीद लें और उसी का बराबर इस्तेमाल कर सकें तो आप बता दें। ऐसा तो हम कभी कहते नहीं कि आप गैस ना इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइनली इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल, वो काफ़ी साफ फ्यूल है, वो प्रोसेस्ड फ्यूल है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र से कंपेयर करूँ तो हम एक BS1 फ्यूल यूज़ करके BS6 इंजन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है। अगर BS6 फ्यूल मिलेगा और BS6 इंजन मिलेगा तो आपका एनवायरनमेंट बेटर ही होगा, लोगों को सर्विस बेटर मिलेगी। तकनीक से जुड़ने की बात अंकित करते हैं, BS1 से BS6 तक जाकर इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अगर आप घर में पके हुए खाने का स्वाद चूल्हे पर लेते हैं और गैस पर लेते हैं, उन दोनों के स्वाद में काफ़ी फ़र्क आप स्वयं जानते हैं और महसूस भी करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का काम किया जाना और इस तरह के काम के पीछे एक सोच, स्वच्छ सोच के साथ इस काम को किया जाना कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप हमारे से कीजिए, और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो किसी और के साथ कीजिए जो आपको बेहतर लगता है। इस तरह की सोच के साथ किसी कंपनी को चलाने का जज्बा और जोश जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय और भविष्य के लिए एक अच्छे संकेत है। बहरहाल अंकित, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सुनील जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।